हेलो गाइज, आप देख रहे हैं फोर स्ट्रॉक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हीरो की न्यू पैशन प्लस। ये पैशन को फिर से हीरो ने लॉन्च किया है, जो आपको आज से 6-7 साल पहले जो मॉडल आ रहा था उसको कंटिन्यू फिर से लोगों के पसंद आने की वजह से हीरो ने इसको फिर से वापस मार्केट में लॉन्च किया है। और इसमें जो है आपको टोटल 3 कलर हीरो ने अभी दिए हैं, स्पॉट रेड और ब्लैक हैवी ग्रे और एक कलर है ये जो आप देख रहे हैं, ये है ब्लैक नेक्सस ब्लू। इसको हीरो ने नाम दिया है ब्लैक नेक्सस ब्लू। आप देख पा रहे होंगे ब्लैक पे ये ब्लू कलर का पूरा स्टिकरिंग किया गया है, इसलिए इसका नाम है ब्लैक नेक्सस ब्लू। और फ्रंट वाइजर आप देख रहे हैं, यहाँ हीरो का लोगो फ्रंट में, ये आपको क्रोम में दिया गया है। और हेडलाइट जो है दोस्तों ये हैलोजन में ही प्रोवाइड किया गया है, साथ में एक पार्किंग लाइट भी, यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ, ये अंदर में एक पार्किंग लाइट भी दिया गया है। जो पहले पैशन में हेडलाइट आता था सेम टू सेम वही हेडलाइट है। और ये इंडिकेटर, ये आपको जो है ये एलईडी नहीं है, ये बल्ब में ही प्रोवाइड किए गए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये बल्ब में ही प्रोवाइड किए गए हैं, इस साइड भी ये बल्ब में ही प्रोवाइड किया गया है इंडिकेटर। दोस्तों आपको ये यहाँ फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और ये ड्रम ब्रेक वाला वेरियंट है। इसमें आपको यहाँ साइड रिफ्लेक्टर, ये बड़ा रिफ्लेक्टर आप देख रहे हैं, अभी तक जो है और भी गाड़ी सब में लगा हुआ जो आ रहा है वो थोड़ा छोटा था, इसमें थोड़ा बड़ा रिफ्लेक्टर देखने को मिल रहा है आपको। इसमें एक चीज़ और अलग है दोस्तों, इसका टायर साइज जो है वो थोड़ा चौड़ा है और स्प्लेंडर के मुकाबले। इसमें आपको फ्रंट में दोस्तों मिलता है ये ड्रम ब्रेक विथ ट्यूबलेस टायर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ट्यूबलेस टायर है, C8 का टायर लगा हुआ है इसमें। और इसमें आपको 130 mm का ये ड्रम ब्रेक मिलता है और 18 इंच का अलॉय व्हील है इसमें। और टायर सेक्शन में आपको साइज मिलता है 80x100 का। यहाँ पे आप टायर साइज इसका देख सकते हैं और कुछ इस तरह का यहाँ से इसमें मीटर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं ये डिजिटल नहीं है पूरी तरीके से, जो इससे पहले आ रहा था यहाँ एनालॉग में आपको किलोमीटर मिलेगा। बाकी यहाँ छोटा सा डिस्प्ले लगा हुआ है, ये पैनल आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉक अनलॉक ये स्विच यहाँ पे आपको मिलता है, ये सेल्फ स्टार्ट का बटन। और इधर मिलता है दोस्तों ये पासिंग लाइट का स्विच, ये लाइट अपर डीपर और ये इंडिकेटर हॉर्न, ये इसका फ्यूल टैंक कैप। दोस्तों टोटल इसमें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 11 लीटर की। ये पैशन प्लस का लोगो काफ़ी खूबसूरत, नया थोड़ा नया लुक देने की कोशिश की गई है इसमें। यहाँ प्रोग्राम्ड FI का ये लोगो, यहाँ पे आपको यूटिलिटी बॉक्स मिलता है, इसमें कीबोर्ड दिया गया है, आप इसको की से खोल सकते हैं। साथ में आपको यहाँ मिलता है दोस्तों 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 7.91 bhp 8000 rpm पे। ये इसका साइलेंसर और इसमें दोस्तों ये लेग गार्ड साथ में इनबिल्ड आता है। ये इसका रियर ब्रेक, ये इसका साइलेंसर, साइलेंसर काफ़ी नया लुक का साइलेंसर है ये, इस पर ये कवर भी लगा हुआ है। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से ये पैशन जैसे पहले पुरानी वाली आती थी उसी तरीक़े से यहाँ से पूरा स्टिकरिंग करके ये लास्ट एंड तक पूरा आया हुआ है। यहाँ पे भी हीरो का लोगो मिलेगा आपको। और बात करते हैं दोस्तों ये रियर साइड की, तो रियर साइड में आपको ट्विन ट्यूब सस्पेंशन मिलता है विथ फाइव वे एडजस्टेबल है, ये 5वें में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और पीछे भी ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किया गया है हीरो के द्वारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ट्यूबलेस टायर दिया गया है और पीछे भी C8 का टायर लगा हुआ है। और पीछे भी आपको 80x100 का टायर मिलता है, टायर साइज है इसका 80x100, कुछ इस तरह से पीछे से ये दिखता है। यहाँ पे आपको हीरो का लोगो मिलेगा और ये इसका ग्रैब रिल है ब्लैक कलर का, काफ़ी कुशनी सीट दिया गया है इसमें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह, बैक रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको एक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे मिलता है दोस्तों ये साड़ी गार्ड, ये इसमें इनबिल्ड है, सिर्फ आपको ये लगवाना पड़ेगा जब आप इसको ख़रीदेंगे। साथ में यहाँ मिलता है ये ABS प्लास्टिक से बना हुआ चैन कवर। और दोस्तों ये देखिए, ये जो है एक नया चीज़ है, ये सारी गाड़ियों में नहीं लगा हुआ आता है, आप लोग मार्केट से आफ्टर मार्केट लगवाते हैं गाड़ी खरीदने के बाद बहुत सी गाड़ियों में, लेकिन ये इसमें इनबिल्ड है। ये जो आप देख पा रहे हैं वाइट कलर की लाइन पूरे
रिम पे दी गई है। ये बैक फुट रेस्ट, ये है इसका गियर, फोर गियर टोटल आपको इसमें मिलता है दोस्तों। ये साइड स्टैंड, ये है इसका मेन स्टैंड। इसका कर्व वेट है दोस्तों 115 केजी का, और सीट हाइट है आपको मैं दिखा देता हूँ, 790 mm का सीट हाइट मिलता है इसमें आपको। और ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 168 mm का, ये है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें आपको। इधर इधर भी FI की ब्रांडिंग की गई है, प्रोग्राम्ड FI की। इस तरफ से आप पूरा लुक ले लें दोस्तों, देखिए कैसा लगता है ये न्यू पैशन प्लस। इधर आपको मिलता है ये फिर से रिफ्लेक्टर, और ये ब्रेकिंग सिस्टम जो है हीरो का, ये यहाँ आपको मिलता है। यहाँ एक हॉर्न यहाँ पे इसका लगा हुआ है, जैसे पुराने वाले हीरो पैशन में आता था उसी तरह से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यू हीरो पैशन प्लस, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।